हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 103 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। इन माय लास्ट टुडे लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अप टू पेज नंबर 102। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ पेज नंबर 103। नाउ नोट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। The first question of page 103 is, what will you say a body is uniform acceleration and non-uniform acceleration? Question mein bachon given hai ki uniform acceleration kya hai aur non-uniform acceleration kya hai. Note down the solution. Make our first heading uniform acceleration. Uniform acceleration, note down the definition. A body is said to be in uniform acceleration when velocity of body changes by equal amount in equal interval of time. Full stop, next line. For example, motion of a body falling freely under gravity. Motion of body falling freely under gravity. Okay, note down the second heading. Non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. After that, note down the definition. A body is said to be in non-uniform acceleration when velocity of the body changes by unequal amount in equal interval of time. For example, next line se likhenge, for example, motion of car on highway through city limits. First question answer complete ho gaya. Note down the second question. Second question is, a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Calculate acceleration of the bus. क्वेश्चन में गिवन है एक बस है जो अपनी स्पीड को 80 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज करके कम करती है. कितना कम करती है? 60 किलोमीटर पर आवर तक. टाइम गिवन है 5 सेकेंड्स, विच मीन्स इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर. उसके बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी गिवन है आपको 60 किलोमीटर पर आवर. एंड फिर 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड को कम करने में टाइम कितना लग रहा है, दैट इज 5 सेकेंड्स. नाउ विद दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्जर्व दैट ईच एंड एवरी यूनिट्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. पहली चीज, इनिशियल वेलोसिटी आपको 80 किलोमीटर पर आवर गिवन है, विच इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आप, 80 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड करेंगे 3600 से, यू गेट द आंसर. आंसर विल बी 22.22 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली इसको भी आप डिवाइड कर सेम प्रोसेस से कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 16.66
मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट करने का प्रोसीजर मैं आपको यहाँ साइड में मेंशन कर दे रहा हूँ, 80 × 1000 / 3600। इससे आप जो सॉल्व करोगे तो वैल्यू ये आएगी। इसको कन्वर्ट करने के लिए 60 × 1000 / 3600, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, होता है v − u / p। फॉर्मूले को बॉक्स में क्लोज कर देंगे, आफ्टर दैट पुटिंग द वैल्यू। फाइनल वेलोसिटी इज 16.66 − 22.22 / 5 s. After calculating this, we get here −5.56/2. On calculating it, we get −1.11 m/s². This is the note down the steps and move to the next question. Note down the next question. The next question is, A train starting from a railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 km/h in 10 minutes. Find its acceleration. सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रेन है जो एक रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है चलना, विच मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी की आपको गिवन हो गई 0 m/s स्टार्ट होती है, इसका मतलब डेस्ट से चलना स्टार्ट करती है। आफ्टर दैट वो एक वेलोसिटी अटेन करती है, दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर आपके लिए गिवन है। इट विल बी रिटन एज 40 km/h और 0 वेलोसिटी से 40 km/h की वेलोसिटी अटेन करने में टाइम कितना लग रहा है, दैट इज 10 मिनट एंड वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन अगेन। सबसे पहले वही चीज आपको देखना है कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी 0 m/s है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 40 km/h नहीं है, 10 मिनट्स नहीं है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको 40 km/h को सेम प्रोसीजर से। वी गेट हियर वैल्यू 11.11 m/s। टाइम गिवन है 10 मिनट्स, 10 × 60, व्हाट इज द वैल्यू 600 सेकंड। नाउ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगेन v − u / p, फॉर्मूले को बॉक्स में क्लोज कर देंगे एंड पुटिंग द वैल्यू। v इज 11.11 − 0 / 600। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट हियर 1.85 × 10⁻². दिस इज द आंसर। आगे स्पेस लेंथ का बोर्ड में 7 m/s² को नीचे लिखा, उसको साथ में ही लिखोगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 103। पेज नंबर के क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट आपका पेज नंबर है 107। क्वेश्चन नंबर 1, नोट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 107। What is the nature of distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object? Distance time graph आप सबसे पहले अपनी नोटबुक में ओपन कर लेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने आपको ग्राफ प्लॉट्स करवाए हुए हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का कैसा है? तो यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा वाला फिगर दिखाई देगा। यूनिफॉर्म मोशन का एक स्ट्रेट लाइन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो फिगर होता है इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, मतलब कैसा भी होगा वो एक कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। नोट डाउन द आंसर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म, व्हेन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म
The distance time graph is a straight line. Is a straight line with some slope. With some slope. स्लोप का मतलब है ग्राफ ऐसा होगा, तो इसे हम स्लोप कहते हैं। ये लाइन जो होती है ये स्लोप है। ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन नोट डाउन, व्हेन द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी एनी कर्व, इट कैन बी एनी कर्व। Note down the next question of table number 107. Question number 2. What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis? अब आपको वो फिगर याद करना है, distance time graph जहां पे आपने प्लॉट किया था और उसमें एक स्ट्रेट लाइन फिगर आया था, कुछ ऐसा फिगर आया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। सबसे पहला फिगर जो मैंने आपको प्लॉट कराया था वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा था, वो इंडिकेट कर रहा था ऑब्जेक्ट एट रेस्ट को। तो नोट डाउन द आंसर, व्हेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन, आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, parallel to time axis shows that the object is at rest. Shows that the object is at rest. Move the question number 3rd of page number 107. Note down the next question. Next question is, what can you say about the motion of an object? What can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to time axis? Parallel to time axis. तो बच्चों यहां पे जो फिगर है ये एक स्पीड टाइम ग्राफ का है, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। ये यहां पे हमसे कह रहा है कि एक स्पीड टाइम ग्राफ है और इसमें एक स्ट्रेट लाइन है विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस कौन सी होती है, एक्स एक्सिस होती है। तो अगर इसमें एक स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ऐसा जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? एक ऑब्जेक्ट में मोशन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है कि एक स्ट्रेट लाइन है विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, विच शोज दैट, अगर यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर स्पीड गिवन है हमको 25 किलोमीटर पर आवर, तो 1 सेकंड के बाद 25 किलोमीटर 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी सेकंड के बाद ऑब्जर्व करोगे आप उसकी वेलोसिटी सेम है। यहाँ पर वेलोसिटी 20 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 30 है। वेलोसिटी यहाँ पर जो स्पीड है बच्चों वो चेंज नहीं हो रही है, स्पीड सेम है हर एक टाइम पर, which shows that the object का motion कैसा है, uniform है। uniform में क्या होता है, object cover equal distance in equal interval of time। this equal distance कब cover होगा, जब उसकी speed same होगी। note down the answer, the speed time graph of a body is a straight line parallel to time axis shows that the object is moving with a uniform speed and there is no acceleration. There is no acceleration. Now note down the question number 4 of page number 107. Question number 4 is, what is the quantity which is measured by the area? Repeat, I am repeating again. What is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? Occupied below the velocity time graph. अगर आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको लिखने हैं, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ पा रहा है, मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन के लिए आप एनसीईआरटी के पीडीएफ फॉर्म पे जा सकते हो। मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने उस पीडीएफ
पूरे चैप्टर का पीडीएफ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, इस वीडियो में भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहां से आप इस पूरे चैप्टर को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो और पूरे चैप्टर को स्टडी कर सकते हो। और उसमें जो चैप्टर में क्वेश्चंस दिए हैं, किसी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ नोट डाउन द आंसर। द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी लाइन ग्राफ मेजर्स द डिस्टेंस। I am repeating again the answer. Area occupied below the velocity line graph is a measure of distance traveled by the body or displacement of the body Now, move to the next page number 108. 108, question number 1. Note down the question 1 of page number 108. Question is, a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find first point the speed acquired, second point the distance traveled. Okay, now move to the solution of this question. आपके क्वेश्चन में गिवन है बच्चों कि एक बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है, विच मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड, एंड उसमें एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, विच मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम भी गिवन है आपको 2 मिनट्स। 2 मिनट्स को फटाफट सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 2 × 60, दैट इज 120 सेकेंड्स। टाइम भी गिवन हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड, व्हिच मींस वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एज वेल। तो फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी कितनी होगी, सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है इस आपका डिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए हम सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इसको अलग मेंशन कर दिया है। तो पहली चीज फर्स्ट पार्ट के लिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो विच इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल हियर, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल हियर, तो यू हैव टू राइट डाउन अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू u plus at, and close this formula within the box. Okay, आगे का step मैं नजर कर रहा हूँ, आप इसको नीचे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। On putting the value in this equation, we have to calculate final velocity. So we can write it as this: u is 0, acceleration is 0.1 into time, that is given 120 second. So v is equal to 120 into 0.1, that is 12 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन यहां पर हो गया है, इसको नोट कर दीजिए एंड मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है, यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो ऑन अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन, second equation of motion, क्या फॉर्मूला था, s is equal to ut plus half at square, put it inside the box. Now on putting the value in this equation, we have to calculate the distance. Initial velocity is 0, time is 120 seconds plus half, acceleration is 0.1, time is 120 second whole square. 0 into 120, that is 0, plus 1 upon 2, 0.1,
into 120 whole square. Now solve this, you get the value, that is 7.2 into 10 to the power 2 meter. This is the distance. Note down the question.